हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में कैश फ्लो का फॉर्मेट पढ़ा था पूरे का पूरा, जिसमें तीन एक्टिविटी थी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद हमने पढ़ा था तीनों का प्लस माइनस करने के बाद उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें दो चीज़ आती थी, करंट एसेट्स का जो पार्ट था करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दोनों को ऐड करके हम ऐड करते थे और आंसर मैच होता था क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो उसके बाद हमने देखा था कि उसमें बिना एडजस्टमेंट के कैसे कैसे हमने प्लस करना है, क्या क्या हमें माइनस। तो हमें पूरे कैश फ्लो फॉर्मेट में ये दो अकाउंट्स इंपॉर्टेंट हैं। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स आती हैं, एग्जाम्पल मशीनरी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जिसका भी हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, सबका सेम बनने वाला है, सेम फॉर्मेट है। तो इसलिए मैंने किसी पर्टिकुलर एसेट्स का नाम नहीं देके क्या लिखा है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। तो इसलिए फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट पे। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट हमें पता है हमारी एसेट्स हैं, तो जितनी भी एसेट्स हैं उसका जो बैलेंस होता है बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस, वो हमेशा क्या होगा, डेबिट साइड। तो आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, उनको यही कंफर्म नहीं होता कि बीडी और सीडी कहाँ, कभी किसी का बीडी सीडी डेबिट और क्रेडिट साइड, किसी का सीडी और बीडी क्रेडिट और डेबिट साइड। तो इसलिए जितनी भी एसेट्स हैं ए टू जेड, उसका हमेशा बीडी कहाँ पे आने वाला है, डेबिट साइड, और जो सीडी आएगा वो सबसे लास्ट में क्रेडिट साइड। सीडी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा है। नंबर वन पे है सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और यहाँ पे एक साथ हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, नंबर वन फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, उसके साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये अकाउंट सिर्फ ओनली तब बनेगा जब बैलेंस शीट के अंदर या हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन होगा, नहीं तो हमें सिर्फ क्या बनाना है, एक सिंपल फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस बीडी और सीडी पुट करेंगे, उसके बाद जितना भी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर यानी इस साल हमने उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया है, उसकी वजह से मेरे एसेट्स की वैल्यू क्या हुई होंगी, डाउन। यानी जब जब एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है, तो हमने रूल्स में भी पढ़े थे 11th में कि एसेट्स की वैल्यू डाउन होने पे वो हमेशा क्रेडिट साइड आने वाला है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन की वजह से फिक्स्ड एसेट्स डाउन होगी, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड है। नंबर टू, अगर हम मशीनरी को बेचेंगे तब भी हमारी एसेट्स क्या होगी, कम, तो इसलिए बाय बैंक, इसलिए यहाँ पे बाय बैंक में हमेशा क्या आएगा, जो मैंने मशीनरी क्या करी है, सोल्ड करी है जितने में, तो इसलिए बाय बैंक में हमेशा ओनली सेल वाली वैल्यू आने वाली है, सेलिंग प्राइस। जब हम सेल करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉफिट या कभी ना कभी लॉस भी हो सकता है, तो अगर हमें लॉस आता है तो वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड, अगर प्रॉफिट आता है तो डेबिट साइड। तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये पी एंड एल किसका है, लॉस का, और ये पी एंड एल किसका है, प्रॉफिट का। जब जब लॉस होगा क्रेडिट साइड, जब जब प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड। अब बचता है बैलेंस फिगर, तो बैलेंस फिगर अगर आता है यानी ये साइड ज़्यादा है और ये साइड कम है, तो हम किस नाम से डालेंगे, टू बैंक, इसका मतलब हमने उसको मशीनरी को नया परचेज किया है, तो इस बैंक के सामने ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं परचेज। तो ये सभी फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट ऐसे ही बनने वाला है। उसके बाद आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमें पता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर मिलता है, तो उसका वो हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का जितना भी बैलेंस बीडी और सीडी है तो वो रिवर्स होगा, यानी इसका बीडी क्रेडिट साइड और सीडी डेबिट साइड। अब अगर मान लो अकाउंट नहीं बनाना, तो हमने पिछले क्लासेज में आपको बताया था, बेशक वहाँ पर पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, कि अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो हमें करंट ईयर का ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस करना होता था और प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में सबसे लास्ट में हमें माइनस करना होता है। मगर अगर इन्फॉर्मेशन भी है बीडी सीडी के साथ, तो हमें क्या बनाना है, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन होगी, या तो बैंक वाली या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल वाली। बैंक का मतलब है पेड, यानी मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितना टैक्स पेड किया है। तो ये पेड अगर इन्फॉर्मेशन है तो बैलेंस फिगर ये निकल जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास मेड, यानी मेड का मतलब प्रोवाइडेड, इस साल मैंने कितना टैक्स बनाया या बना, अगर वो इन्फॉर्मेशन गिवन है तो बैलेंस फिगर ये निकल जाएगा। तो समझे आप, यानी एक ना एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़रूर मिलने वाली है, तो इसलिए इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मेड। समझ आया। अब इसको एक एक करके देखते हैं कि ये कौन सा प्लस होने वाला है और कौन सा माइनस, और कौन सी एक्टिविटी में। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि अगर हम किसी भी एसेट्स या किसी भी लायबिलिटी का अकाउंट्स बनाते हैं,
तो उसका बी डी सी डी कहीं पे भी किसी भी एक्टिविटी में कहीं पे भी यूज नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबके सामने बी डी सी डी में क्या कर रहा हूँ, कट, यानी ये बी डी सी डी कहीं पे भी यूज होने वाले नहीं है। तो अब आते हैं मेड की बारी। तो ये हमेशा जो ऑपरेटिंग में प्लस होता है वो होगा कि ये मेड वाला हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जहाँ हमने पांच चीज़ें प्लस करी थी उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से ऐड होगा। उसके बाद पेड वाला अगर इन्फॉर्मेशन है में है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। तो ये है प्रोविजन फॉर टैक्स, बिल्कुल सिंपल है, इसको बार बार रिपीट करके दिमाग में बिठा लीजिए। अब आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में जो डेप्रिसिएशन है यही जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, कहाँ पे, जहाँ पे हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश आइटम ली थी उसमें हमने बताया था एक्सपेंस और लॉसेज प्लस होते हैं और इनकम माइनस। तो ये प्लस होगा वहाँ पे, और ये अगर इफ लॉस, अगर लॉस होता है तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा, प्लस होगा। अगर इसके बजाय लॉस हो जाए, प्रॉफिट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। उसके बाद आते हैं बैंक वाले। तो बैंक अगर याद हो तो फिक्स्ड एसेट्स का जितना भी सेल परचेज है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने डाला था कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस। तो सेल हमें ऐड करनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और परचेज माइनस करनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो यानी बाय बैंक, यानी बैंक जब सेल कर रहे हैं तो प्लस होगा इन्वेस्टिंग में और परचेज वाला इन्वेस्टिंग में माइनस। ये तब था जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या उसका दूसरा नाम किस नाम से आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर वो नहीं है उसका बी डी सी डी तब ये डायरेक्ट आ जाएगा। मगर अगर उसका बी डी सी डी प्लस इन्फॉर्मेशन है तो हमें दो अकाउंट एक साथ बनाने हैं जो आपके सामने हैं, नंबर वन फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और नंबर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेरे लिए लाइबिलिटी का काम करेगा और फिक्स्ड एसेट्स मेरे लिए वही एसेट्स का काम। तो इसका बी डी सी डी एसेट्स की तरह है और उसका बी डी सी डी प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह है क्योंकि ये लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे भी मैं बी डी सी डी के आगे कट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जब भी अकाउंट बनेगा तो बी डी सी डी कहीं पे भी यूज होने वाला नहीं है। इलेवेंथ में हमने ये अकाउंट बनाया था डेप्रिसिएशन चैप्टर में, तो हमने उसमें पढ़े थे तीन मेथड्स जिसमें एक सिंपल मशीनरी अकाउंट बनता था, नंबर टू पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ मशीनरी अकाउंट बनता था, और नंबर थर्ड पे तीन अकाउंट एक साथ बनाए थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी डिस्पोजल और मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे हम सिर्फ कितने बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट या फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो इस मेथड्स में होता क्या है, बी डी सी डी पुट करने के बाद जो एसेट्स मैं सोल्ड कर रहा हूँ यानी बेच रहा हूँ उसका जो टोटल डेप्रिसिएशन आज तक उस पर लग चुका है उसको मुझे ट्रांसफ़र करना है यहाँ से लेके मशीनरी अकाउंट में। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स और ये ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पे जाके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। तो ये भी कहीं पे नहीं जाने वाला क्योंकि ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसफ़र। तो बचा क्या, बैलेंस फिगर ये आएगा। तो डेप्रिसिएशन ये जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, ये अकाउंट कंप्लीट। अब आते हैं सेम कंसेप्ट जो वहाँ पे हमने पढ़े कि जो बाय बैंक और टू बैंक हैं ये इन्वेस्टिंग में क्या होगा, प्लस होगा, और ये इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। उसके बाद अगर लॉस है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, अगर प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। तो हमारा ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो जितने भी कैश फ्लो के स्टेटमेंट के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये नॉर्मली तीन अकाउंट्स हमें बनाने हैं, उसके बाद हमें कोई अकाउंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे डिबेंचर्स हो गए, शेयर्स के हो गए। बड़े लेवल पे अगर जाते हो यानी 12th से ऊपर तब उसमें होता है कि कई बार मैं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट या फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहा हूँ शेयर या डिबेंचर के बदले, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो या ग्रेजुएशन के लिए जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें सीखेंगे। तो 12th के लिए सिर्फ इतना ही कम्प्लीटली फॉर्मेट है, पूरे आज तक का जो कैश फ्लो हमने पढ़ा तो वहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक का कंसेप्ट इतना है, प्लस एक छोटा सा कंसेप्ट बचता है जो बच्चों को क्या करता है, बहुत डाउटफुल कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा, क्लोजिंग बैलेंस पे लगेगा या उन दोनों के डिफरेंस पे लगेगा। तो अभी हम वो देखते हैं, पहले आप ये क्या करिए, नोट हो गया होगा नोट आप सभी का। अब मैंने जैसे कि बोला कि दो में डाउट्स, अब डिबेंचर या लोन या इन्वेस्टमेंट इशू हो सकता है और रिडम्पशन हो सकता है, दो ही टाइप्स आती हैं।
जिसमें तीसरी टाइप कौन सी है, बीडी और सीडी दोनों सेम आते हैं तो हम किस पे निकाल सकते हैं, किसी पे भी, तब तो कोई फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं है। फ़र्क तब पड़ेगा जब बीडी यानी प्रीवियस ईयर में अलग हो और करंट ईयर में अलग हो। तो हम दो टॉपिक्स को पढ़ते हैं, या तो इशू होगा या रिडम्पशन। इशू का मतलब बढ़ना, यानी प्रीवियस ईयर में कम होगा और करंट ईयर में बढ़ रहा होगा, और रिडम्पशन का मतलब प्रीवियस ईयर में ज़्यादा होगा और करंट ईयर में कम होगा। तो रिडम्पशन को मैं रीपेमेंट के नाम से बोल सकता हूँ, ठीक है, और इशू को मैं प्रोसीड फ्रॉम लोन या प्रोसीड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के नाम से बोल सकता हूँ। अगर इन दोनों के बाद एडजस्टमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ध्यान रखेंगे, अगर किसी की चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी मैंने जब बढ़ा या कम हुआ, कौन सी डेट को बढ़ा या कौन सी डेट को कम हुआ, तो हमेशा हम याद रखेंगे ओपनिंग बैलेंस, यानी कि प्रीवियस ईयर पे ही उस इंटरेस्ट का हम यूज करने वाले हैं, कभी भी करंट ईयर पे नहीं करेंगे, सिर्फ किस पे, प्रीवियस ईयर, हमारा काम ख़त्म। क्यों? क्योंकि उसके इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। मगर इन्फॉर्मेशन है तब हमें क्या करना है, वो सामने आपके हैं। इशू का टाइम यानी बढ़ रहा है, प्रीवियस ईयर में कम है और करंट ईयर में ज़्यादा, तो जब ऐसा होगा तो प्रीवियस ईयर पे हम कैसा करेंगे, फुल ईयर यानी जो परसेंटेज होगी उसको फुल ईयर की कैलकुलेट करेंगे, प्लस जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस का मतलब मैंने इशू किया होगा या रिडम्पशन या जो भी होगा, इसमें क्या किया होगा, इशू तो बढ़ा होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी जितना मैंने इशू किया या जो अमाउंट बढ़ रहा है, तो उस पे मुझे फुल ईयर का ना लेके उस पे मुझे टाइम को भी क्या करना है, कंसिडर करना है, यानी टाइम कितनी दे, कितने टाइम मैंने उसका यूज किया, तो ऐसे निकालेंगे। मगर अगर हम बात करें रिडम्पशन की, रिडम्पशन का मतलब प्रीवियस ईयर में ज़्यादा और करंट ईयर में कम, तो हमें ऐसे में क्या करना है, करंट ईयर पे फुल ईयर का कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट हमेशा, प्लस जो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी जो मैंने रीपेमेंट करी या रिडम्पशन किया या जो भी किया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसके बाद मुझे उस पर क्या करना है, टाइम को कंसिडर करना है, कितना मैंने उसको क्या किया, टाइम यूज किया। दोबारा वही कंसेप्ट, यानी अगर बढ़ रहा है तो प्रीवियस ईयर फुल ईयर और डिफरेंस पे टाइम, मगर अगर कम हो रहा है यानी रिडम्पशन हो रहा है तो करंट ईयर पे फुल ईयर का कैलकुलेट करेंगे और जो डिफरेंस होगा उस पर हम टाइम यूज करेंगे। तो इसका सिर्फ यही कंसेप्ट था, तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, दो चार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे इस कंसेप्ट को देख के, तो आराम से आपके बड़े से बड़े जो एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा कैश फ्लो पूरे का पूरा कंसेप्ट क्या होता है, ख़त्म। थैंक यू।